हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मैं जब घर आई थी उसके आने के बाद ये नेक्स्ट डे है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ घर वाले काम। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी बैठी हुई है क्योंकि जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने कल कर दिया था और जितना भी मुझसे आज होगा वो मैं आज कर दूँगी। पता नहीं काम इतना फैल चुका है, इतना फैल चुका है कि मेरी समझ से ना बिल्कुल बाहर हो गया है काम। और मैं अपने आप को ना बहुत वो कर रही हूँ कि ना मैं अच्छा रहा कि जल्दी ही वापस आ गई, वरना पता नहीं कितने दिन लग जाते मुझे तो ना घर को संभालने में बहुत टाइम लग जाता। तो अभी यहाँ पर मैं इधर आ गई हूँ। मैंने ना बेडरूम में झाड़ू लगा दी है और उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ बरामदे में। और इधर ना मैंने पहले विंडो को साफ़ कर लिया है, झाड़ लिया है अच्छे से। और फिर मैंने ना ये जैसे कूलर है, कूलर पर भी धूल मिट्टी हो जाती है। कल तो इस कूलर की भी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, आज तो इतनी नहीं है क्योंकि शाम में ही मैंने साफ़ सफाई की है। और धीरे धीरे करके ना पहला जैसा ही सब कुछ मैं कर दूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर झाड़ू, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ आ जाती है। अब तो फ़िलहाल इतना अंदर तक नहीं आ रही है, थोड़ा सा उधर की साइड आ रही है, लेकिन सुबह सुबह मैं आ जाती है। और देखिए आप, अब भी धूल मिट्टी कितनी निकल रही है आप देख सकते हो। जैसे ही मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना उससे आपको पता चल रहा होगा कि हाँ धूल मिट्टी आ रही है। क्योंकि ना अभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी ना हवा चलती है, बहुत तेज़ तेज़ आंधी आने लगती है, तो उसकी वजह से। और यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे रखे हुए हैं ना वो सभी मैं आगे की तरफ करके तब मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि ना इस तरह से तो मुझे नहीं छोड़ सकती। पहले सभी को एक साइड करूंगी तब मैं झाड़ू लगाऊंगी उनके नीचे से, जिससे कि ना उनके नीचे कोई भी धूल मिट्टी या कुछ भी ना रहे। तो इस तरह से ही मैं झाड़ू लगा लूँगी बरामदे में। और अभी मुझे लगा कि ना ये पौधा मैंने सही नहीं रखा है, तो अभी ना इनकी सेटिंग चल रही है। क्योंकि जब हम कोई भी नई चीज़ लेकर के आते हैं ना तो काफ़ी दिनों तक तो हम उसको ऐसे ही करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। इस तरह से ही अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। पहले मैंने पौधे को इधर रखा, फिर उधर रखा, और झाड़ू लगा दी है मैंने, पूरे घर में डस्टिंग भी कर दी है। और उसके बाद ना मैं आ गई हूँ इधर, क्योंकि मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए। लाइट आ रही थी और जितने भी कपड़े हैं ना वो सभी मैंने धुल दिए हैं। जो अभी मुझे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि बाद में डाल देंगे, वो डाले हुए हैं उसमें, तो वो धुल रहे हैं। और कपड़े भी इतने ज़्यादा हैं, वैसे हमारे तो कपड़े ऐसे नहीं हैं कि हम बिना धुले लेकर के आए हैं, सभी कपड़े धुल गए हैं। लेकिन हाँ, अनुष्का के पापा जी के इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि जब से हम गए थे ना और तब तक हम आए हैं, उन्होंने मशीन नहीं लगाई है ना ही कपड़े धुले हैं, ऐसे ही कपड़े थे। पहले वो धुल लिया करते थे लेकिन अभी उनको टाइम नहीं मिला होगा। पहले जब मैं जाती थी ना तो वो मशीन में धुल लेते थे, लेकिन हो जाता है हर टाइम, हर समय एक जैसा नहीं रहता, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैंने ना पैंट और शर्टों की गिनती कर रही थी, मैं गिन रही थी इसलिए कि वो कितनी पैंट रहे हैं, क्योंकि जब से हम गए हैं और जब तक आए हैं पूरी पैंटें ऐसे की ऐसी ही हैं। मैंने कहा हाँ, उन्होंने उस दिन से मशीन ही नहीं लगाई और मशीन ना पूरी भर गई थी। और अनुष्का के पापा जी आज सुबह बोल रहे थे कि कपड़े धुल गए हैं। मैंने कहा हाँ, कपड़े बहुत जल्दी धुल गए हैं। मैं आई थी थक रही थी बहुत ज़्यादा, अभी तो मैंने घर की धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें साफ़ की हैं, इतनी जल्दी कपड़े कहाँ से धुल गए। वैसे ना कपड़े धुल जाते अगर मैं मशीन लगाती, लेकिन हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा था कि नहीं, चाहे काम एक हो लेकिन अच्छे से हो, चारों तरफ से काम ना हो। चारों तरफ जब फैल जाती है ना चीज़ें तो वो फिर एक भी काम अच्छे से नहीं होता। तो मैंने सोचा कि नहीं, मशीन मैं कल ही लगाऊंगी, आज नहीं लगाऊंगी। तो मैंने इसलिए कल मशीन नहीं लगाई थी, सुबह मैंने मशीन लगा दी थी। और सुबह मेरा मन था कि मैं बहुत जल्दी जैसे सो करके जग जाऊंगी और जल्दी से मशीन लगा दूंगी। तो आंखें तो मेरी खुल गई थी लेकिन मैं भूल गई कि मशीन मुझे लगानी है। तब मुझे याद आया, तब लगभग 7 बज रहे होंगे जब मैंने मशीन लगाई थी। लेकिन हाँ, कपड़े अच्छे से धुल गए हैं और लाइट एक भी बार बीच में नहीं गई है। ऐसा होता है ना कभी कभी, जब हम सोचते हैं कि हमारा काम ज़्यादा फैला हुआ होता है कि ना लाइट चली जाएगी लाइट, लेकिन नहीं, आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ कि लाइट ने मुझे धोखा दिया है। लाइट बराबर आती रही थी
और कपड़े सब भी धुल गए थे। और अभी जो ना कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे हाथ से धुलने हैं, तो वो मैंने पहले ही सरफ में भिगो दिए थे। मैंने कहा इनको ना हाथ से धुल लूँगी, वो मुझे उसमें नहीं डालने थे। जो कुछ ऐसे कपड़े हैं नए होते हैं, एक तो वो ही है जो कुर्ता है मैं पहन करके आई थी, साइड में रखा हुआ है। मुझे लग रहा था कि ये कहीं कलर वगैरह छोड़ दे, इसलिए मैंने इसको ना पहले ही साइड कर लिया था। लेकिन कलर ऐसा कुछ भी नहीं था, छोड़ा इसने छोड़ा था नहीं, हल्का फुल्का बहुत हल्का सा पानी गुलाबी गुलाबी हुआ था, बाकी नहीं बिल्कुल भी नहीं था। अभी जो भी कपड़े हैं हाथ वाले उनको हाथ से धुल लूँगी। और साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ ना कि ये कपड़ों वाला काम ना अब मैं ख़त्म ही कर लूँ, क्योंकि कपड़े भी ये है कि कहीं लाइट ना चली जाए, थोड़ा सा रहता है ना, फिर भी आ रही है जब तक आ रही है, और जब चली जाएगी जाने लगेगी तो हम इसको रोक भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं तो अंदर ही डालूंगी कपड़ों को और आराम से अंदर ही सूख जाएंगे। तो मैंने ना यहीं पर कपड़ों को डालना शुरू कर दिया है। जो भी पैंट है थी उनकी, वो सभी मैंने उल्टी कर ली हैं, जिससे कि कोई भी दाग वगैरह इन पर ना लगे। उल्टी करके सुखाते हैं ना तो सही रहता है, सीधी करके सुखाते हैं अगर धूप में डाल रहे हैं तो कलर का भी रहता है, कलर जाने का, क्योंकि धूप तो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि पूरा कलर ही बेकार कर देगी, बहुत तेज़ वाली धूप है। तो मैं तो अंदर डाल रही हूँ। और यहाँ पर जो कपड़े किचन के थे वो मैंने जैसे किचन साफ़ की थी ना, तो यहीं पर डाल दिए थे, भीग गए थे। तो अभी इनको भी सोच रही हूँ इनको भी मशीन में डाल दूँ, ये भी साफ़ हो जाएंगे। पहले ना जो कपड़े उसमें धुल रहे हैं, अभी कपड़े धुल रहे हैं उसमें, पहले उनको निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं ये किचन वाले कपड़े डालूंगी। मन हो रहा है कि अब ना सारे काम एक साथ ही ख़त्म कर दूँ, कोई भी काम ना छोड़ूँ, ऐसा मन कर रहा है। लेकिन काम तो यही है कि धीरे धीरे ही होगा, एक साथ तो कुछ भी नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर मैंने साइड डालना शुरू कर दिया है, जो भी साइड थी। पैंट मैंने उधर की साइड में डाल दी है, जो कि मैं इस तरह से ही डालती हूँ, उधर की साइड में ही मैं पैंट डालती हूँ, और इधर की साइड में मैं शर्ट वगैरह, वैसे तो मैं यहाँ पर अपने सूट सुखाती हूँ, लेकिन अब भी क्या है कपड़े ज़्यादा हैं तो यहाँ पर सूट नहीं सुखाऊंगी, अब मैं उधर सुखाऊंगी। सूट मेरे हैं भी नहीं, सिर्फ एक कुर्ता है, मेरे कपड़े नहीं हैं। आज तो ना अनुष्का के पापा जी के कपड़ों की ही पूरी वो है, धुलाई है, जितने भी कपड़े थे आज तो उनके ही धुले गए हैं कपड़े, हैंकी वगैरह सॉक्स जितने भी थे ना सभी उनके उन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं मेरे लिए, कि आएगी तो वो एक दिन पूरे दिन कपड़े धुलेगी। तो अभी यहाँ पर इधर मैंने सुखा दिए हैं कपड़े, झाड़ झाड़ करके अच्छे से। कबूतरों का थोड़ा सा डर रहता है, पर उनको ना मैं बीच बीच में देखती रहूँगी कि वो कहीं आ ना जाएं। और जो सफ़ेद कपड़े थे वो भी मैंने धुल लिए हैं, उनमें मैंने नील लगा दिया है, और नील लगाने के बाद ना उनको मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ। नील लगाने के बाद ना सफ़ेद कपड़ों में बहुत अच्छी सी चमक आ जाती है, अगर नहीं नील लगाते हैं ना तो वो कुछ ऐसे लगते हैं जैसे कि हमने धुले ही नहीं हैं कपड़े। तो मैं तो साथ के साथ लगा देती हूँ, और अनुष्का के पापा जी भी ना बिना नील के कपड़े पसंद नहीं करते, जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उनमें नील लगवाते ही लगवाते हैं, अगर नहीं लगाओ तो फिर वो पहनेंगे नहीं, बोल देंगे कि इसमें पहले नील लगा देना, क्योंकि देखने में ना वो थोड़े से अच्छे नहीं लगते, बहुत अजीब से लगते हैं। इसलिए उधर कपड़े सूख गए हैं, उधर बिल्कुल भी अब जगह नहीं रही है कपड़े सुखाने की, तो मैंने सोचा कि चलो अभी ना मैं इधर कपड़े सुखा देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने इधर भी कपड़े डाल दिए हैं, तो कपड़ों का काम ना ख़त्म कर दिया है। काफ़ी देर तक कपड़ों का काम चला है, ऐसा नहीं है कि जितनी देर मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ इतनी देर में ही कपड़े धुल गए हैं, नहीं, कपड़े धुलने में टाइम लगा है। ऐसा नहीं होता है कि जितनी देर हमने आपकी आपको चीज़ें शेयर की हैं, हमने आपको ये दिखाया है, तो बस उतनी ही देर में काम हो गया है, नहीं, काम होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप ना आपके साथ शेयर की जाती हैं, क्योंकि अगर पूरे अभी मैं पोचे की ही पूरी वीडियो डालने लगूँ तो पोचे में ही पूरी वीडियो पूरी हो जाएगी, और उससे एक्स्ट्रा हो जाएगी, मुझे ना कट लगाने पड़ेंगे बीच बीच में, ना ये वीडियो ना काटनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो होता है कि ना चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखाई जाती हैं, थोड़ी थोड़ी शेयर की जाती हैं, पेड़ पौधों पर पूरी नज़र है मेरी भी, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये अनुष्का ने ना ये बहुत अच्छा किया कि लेकर गई है, एक अलग सी ना फीलिंग आ रही है बरामदे में, बहुत अच्छी सी। और मैं सोच रही हूँ ना रूम के लिए भी एक दो इस तरह के मैं पौधे लाऊं, अपने रूमों में रखूं, अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर मैं इस पौधे को सही करूँगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था, तो मैं सोच रही हूँ इन पौधों को ना चार गमलों को मैं इधर रख दूँ जाली के पास में, जिससे कि ना नीचे से भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं, और ये हमारी बालकोनी की तरह है तो बालकोनी में ये चीज़ें रखी ही जाती हैं। तो अभी यहाँ पर
मैंने इधर की साइड रख दिया, आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना, देखने में ये गमले। और एक एक गमला मैंने इधर की साइड में छोड़ दिया है। तो अभी तो ना कल से जब से आए हैं कुछ इन चीज़ों की भी ना सेटिंग में लगे हुए हैं, कभी कहीं रखना कभी कहीं रखना, लेकिन ये यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं सच बताऊँ ना, लाई भी यहीं के लिए थी कि वहाँ पर रख देंगे जाली के सामने जो हमारी बालकोनी है उसमें रख देंगे, ये बालकोनी की तरह ही है। बस ये है कि इसमें यहाँ पर दीवार नहीं लगी है ना, या यहाँ पर रूम नहीं है, फिर तो बिल्कुल ही हो जाती है, क्योंकि बरामदा है तो इसको बरामदे के अंदर ही ले लिया है। इस वजह से बरामदा भी चौड़ा हो गया है थोड़ा सा ना, फिर ना बहुत छोटा सा हो जाता। अभी मैं नहा ली हूँ, पोछा मैंने लगा दिया है, पूरे घर में पोछा लग गया है, पूरे घर का मैंने काम ख़त्म कर दिया है। और मुझे ना बहुत लेट भी हो गया है खाना बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह की कोई सब्ज़ी बनाती हूँ जो जल्दी से बन जाए। तो सीताफल, भिंडी, ये कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं, तोरई है ना, तो ये बहुत जल्दी से बन जाती हैं। तो मैंने सोचा चलो सीताफल बनाते हैं, क्योंकि तोरई मैंने रात बनाई थी तो अब सीताफल बन जाएगा, सही रहेगा। हरी मिर्च भी इसमें कट कर ली है, और ये सीताफल हमारे लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि अनुष्का ना बहुत कम खाती है सीताफल। तो मेरा मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन होता है मट्ठा हो, सलाद हो और सीताफल की सब्ज़ी हो। वैसे तो पूड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं, पर मैं तो रोटियां ही बनाऊंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो रोटियां ही बना लूंगी। अभी मैं इस सब्ज़ी को आपस में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैं नहा करके आई थी ना, बाल मैंने इस तरह से ही बांधे हुए हैं। मैंने सोचा कि पहले करती हूँ मैं खाने की तैयारी, क्योंकि पहले से ही मुझे काफ़ी लेट हो गया है, तो अब ज़्यादा लेट मैं नहीं करती हूँ। बाल कंघी मैं बाद में कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है और अभी मैं आटा लगाने लगी हूँ। बाल ना मैंने धुले थे तो मैंने इस तरह से इस पर कपड़ा लपेटा हुआ है, जिससे कि पानी ना गिरे। और थोड़ा सा टाइम तो लगता है बाल वगैरह कंघी करने में, और बाल धुले हैं तो खाने को भी ना थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि जब हम बाल धुलते हैं तो बाल गिरते ज़्यादा हैं। तो मैंने इसीलिए सोचा था कि पहले मैं ना खाने की तैयारी करती हूँ और फिर मैं बाल कंघी करूँगी। और मैंने ना खाना पूरा बना भी लिया था, मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, उसके बाद में मैंने बाल कंघी किए थे, क्योंकि एक बार बाल अगर खुल जाते हैं ना तो वो गिरते ही गिरते हैं, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, वो कहाँ पर जाकर गिरे बाल वो पता नहीं चलता। खाना वैसे बना रही हूँ और खाने के साथ तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं, मैंने सोचा कि नहीं चाहे बाल बाद में कंघी हो जाए लेकिन खाना अच्छे से बना लूँ। तो अभी यहाँ पर आटा लगा रही हूँ और दूध भी मैंने दोबारा से गर्म कर दिया है, क्योंकि दूध को भी ना मैं दो बार मैं गर्म करती हूँ, तो वो भी गर्म कर दिया है। और अभी आटा लगा लूँगी, थोड़ा सा ही आटा लगाऊँगी। अनुष्का के पापा जी तो खाना नहीं खाते हैं यहाँ घर पर, वो तो बाहर ही खा लेते हैं, तो सिर्फ मैं और अनुष्का है, उन दोनों हम दोनों के लिए ये आटा काफ़ी रहेगा। बीच बीच में सब्जी को भी चलाती रहूँगी, बाकी का तो पूरा काम घर का ख़त्म हो गया है। और मैं सोच रही थी कि ना आज हेयर वॉश कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर कभी मन होता है ना, कभी कभी तो हमें ज़रूरत होती है ना, फिर भी हम चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कहीं कोई काम निकल आया, कोई हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है। और फिर मैंने सोचा कि आज मेरा मन भी है, मेरे पास टाइम भी है। टाइम तो ये था कि थोड़ा लेट ही था, पर यह था जब हम मन बना लेते हैं तो हम टाइम वगैरह का कोई भी नहीं देखते कि हाँ कोई इतना टाइम है। तो अभी यहाँ पर आटा लग गया है और अभी यहाँ पर मैंने आटे को ढक दिया है, सब्ज़ी को एक बार और चला दूँगी जिससे कि ना सब्ज़ी लग ना जाए, क्योंकि इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं पानी बिल्कुल डालती नहीं हूँ, इस तरह की जो मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ वो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, प्लेट ढक देती हूँ और गैस को कर देती हूँ स्लो, और वो जो भाप भाप में ही ना पूरी सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। और भिंडी तो मैं ढकती भी नहीं हूँ, खुला करके ही बनाती हूँ, फिर ना उनमें एक तार तार सा खिंचने लगता है अगर उसको ढक देते हैं तो मैं उनको नहीं ढकती हूँ भिंडियों को। अभी दूध भी मैंने अंदर रख दिया है, वो इसी रूम में रख दिया है दूध को भी, और उसके बाद आ गई हूँ मैं बाल कंघी करने के लिए। इससे पहले मैंने ना खाना भी बना लिया है और सब्ज़ी भी बन गई थी, रोटियाँ भी बन गई थी, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब बाल कंघी कर लेते हैं। खाना बना लिया है लेकिन खाया इस तरह से नहीं जाएगा कि मैं इस तरह से बाल लपेट करके और खाना खाने लगूँ, तो उससे पहले मैं करूँगी बाल कंघी। अभी बाल कंघी करने लगी और जल्दी से हो जाते हैं, जब गीले बाल होते हैं ना वो बहुत जल्दी से कंघी हो जाते हैं। और मैं हमेशा मेरा यही रहता है, कभी ऐसा हुआ होगा, कभी चीज़ें हो जाती हैं ऊपर नीचे, हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो वो बहुत कम होती है। तो कभी मैं ऐसा करती हूँ कि कभी मैंने बाद में बाल कंघी किए हों जैसे कि सूख जाने के बाद, वरना हमेशा मेरा यही रहता है गीले बालों में ही मैं कंघी कर लेती हूँ, और मुझे बड़ी आसानी रहती है बाल कंघी करने में, फिर ना बिल्कुल भी उलझन सी नहीं होती है, वरना बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं।
तो अभी यहाँ पर अच्छे से बाल कंघी कर लूँगी। और बाल इतने ज़्यादा गिर रहे थे नीचे, क्या ही बताऊँ, पूरे में बाल बाल हो रखे थे। अभी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि दोबारा से झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि फ़ैन वगैरह चलाते हैं फिर वो चारों तरफ बाल ना पूरे रूम में ही हो जाएंगे, तो इसलिए। तो अभी यहाँ पर मैं ये क्रैचर लगा लूँगी जिससे कि ना ये बाल एक जगह रहें, खाना वगैरह खाएंगे तो अभी इधर उधर फिर बाल ना जाएं। और जितने भी बाल गिरे हैं ना उन सबको मैं इस तरह से इकट्ठा कर लूँगी जिससे कि बाद में एक आधा बाल रह जाता है, ऐसा नहीं है तो वो फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी, फिर ना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अभी मैं देख देख करके ना पैर से इनको इकट्ठा कर रही थी कि कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं हैं, इधर हैं उधर हैं, फिर भी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा बाल पा गए थे इधर उधर पड़े हुए। और अभी यहाँ पर एकदम से ना पसीने बहुत आते हैं, ज़रा सी देर नहीं होती नहाने के लिए, एकदम से पसीने आ जाते हैं। तो मैंने सोचा बाल कंघी कर लिए हैं, हेयर वॉश किया है तो फिर थोड़ा सा सिंदूर लगा लेते हैं। वैसे मैं लगाती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन अभी खाना खाने से पहले ही मैंने सिंदूर लगा लिया है। और अभी ना क्रीम वगैरह नहीं लगाऊंगी, बाद में लगा लूँगी, पर हाँ सिंदूर लगा लेती हूँ क्योंकि अनुष्का को भी भूख लगी हुई है, अनुष्का को भी खाना देना है और मुझे भी खाना खाना है, मुझे भी भूख लग रही है। तो क्रीम वगैरह बाद में लगा लूँगी, पहले ना बस बाल कंघी हो गए हैं, सिंदूर लगा लिया है और फिर चलती हूँ मैं उधर, खाना डालती हूँ और अनुष्का को देती हूँ। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है, वैसे कान्हा जी को मैंने मिठाई और फल दोनों का भोग लगा दिया था, मक्खन भी खिला दिया था, और फिर मैंने ना खाना भी खिला दिया है क्योंकि इस सब्जी में मैंने लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला है, तो इसका भोग आराम से कान्हा जी को लग जाएगा। ये बहुत अच्छी बात रहती है, अगर हमने सब्जी में लहसुन प्याज नहीं डाले हैं तो हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता, हम ना कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। अगर हम लहसुन प्याज सब्जी में डालते हैं तो हमें फिर कुछ ना कुछ अलग से बनाना पड़ता है, पहले उनका देखना पड़ता है कि वो क्या चीज़ खा सकते हैं, है ना, तो उस तरह से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और जब हम लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालते तो फिर क्या होता है कि हम आराम से उसी सब्जी से कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। तो कान्हा जी को भोग लगाया, गुड़िया रानी को खाना दिया, उसके बाद मैंने भी अपनी थाली लगा ली है। थाली में सीताफल की सब्जी है और खीरे की सलाद है, मट्ठा है, और एक मैंने हरी मिर्च भी ले ली है। और अभी मैं खाने लगी हूँ खाना, आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए और फिर बताइए कि आप सभी को मेरा बनाया हुआ खाना कैसा लगा। तो इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करते हैं, मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।